हमारा ये शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और ये पांच तत्व हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है, और इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर तीन दोष बने हैं, और ये तीन दोष भी हर एक किसी के अंदर होता है, और इसी को इंसान की प्रकृति कहते हैं। कौन से तीन दोष हैं आज हम यहाँ पर देखेंगे, वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष होते हैं। तो इसमें किसी में वात ज्यादा होता है, किसी में कफ ज्यादा होता है, तो किसी में पित्त ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा डोमिनेंट पित्त होता है। इसके दो एलिमेंट्स होते हैं, वाटर एंड फायर। ये दोनों का संबंध हमारे सीधा डाइजेशन से होता है, मेटाबॉलिज्म से होता है, हमारे इमोशन से होता है, हमारे टेम्परेचर से होता है और हमारी बॉडी के बैलेंस से होता है। ये जो पित्त जो है इसे बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान की पित्त बैलेंस में रहे तो इंसान की बॉडी की हर एक चीज़ बैलेंस में रहेगी। अब पित्त का अनबैलेंस होना उसकी हेल्थ ही नहीं बल्कि उसके हेयर और स्किन पे भी इफेक्टेड रहता है। गर्मियों में हमारे शरीर के पित्त को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गर्मियों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है जिससे हम अपना पित्त कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे इंसान की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, इंसान का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इंसान की आदतें कैसी होनी चाहिए, उसके इमोशंस कैसे होने चाहिए और उसकी फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए। इन्हीं पांच चीज़ों से पित्त दोष का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम पित्त दोष को कंट्रोल कर लेते हैं या उसे सही तरीके से रख लेते हैं तो पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। खास करके हेयर फॉल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक करके उस फूड आइटम्स की। तो वन पे आता है कोरिएंडर सीड्स। तो ये एक ऐसा हर्ब है जो एसिडिटी को बढ़ाए बिना अग्नि को शांत करता है। ऐसा हर्ब है जो हमारे फायर एलिमेंट्स को शांत करता है। कभी भी इनबैलेंस की वजह से अगर बॉडी इनबैलेंस है तो हमें बहुत सारी बॉडी में हीट और कभी कभी बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, तो ऐसे टाइम पर हमें धनिया की चटनी और हम उसे पीस कर पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है और ये बिल्कुल ही नेचुरल डाइजेशन का काम करता है। तो अगर पानी में मिलाकर पिया जाए तो इससे हमारा नेचुरल यूरिनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे किडनी और लीवर दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्टर होते हैं। वहाँ पर कचरा नहीं जमा होता जिससे हमारे दोनों ही वाइट ऑर्गन्स क्लियर रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो आप चटनी या फिर पानी में मिलाकर या फिर सब्जी में या सैलेड किसी भी तरीके से आप इसे खा सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। नंबर टू पे आता है फेनल सीड। और हमारे पित्त दोष के लिए हमें कूलिंग प्रॉपर्टीज की चीज़ें खाने में हमें बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि अगर हमारे लार्ज इंटेंसिव में खाना रह जाता है तो वो डाइजेस्ट होने के बजाय उसमें एक सड़न शुरू हो जाती है। इसीलिए खाना खाने के बाद सॉफ्ट खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, या ज़रूरी भी बोल सकते हो आप, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो खाना खाने के बाद हमें सॉफ्ट ज़रूर खाना चाहिए जो कि हमारे पित्त को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है ग्रीन कैरेडमम यानी कि इलायची। इलायची चबाई जाए तो हमें हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इलायची का फ्लेवर इतना अच्छा होता है जिसको मुंह में ब्रेथ स्मेल की प्रॉब्लम होती है, इलायची चबाने से उसकी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और इलायची से डाइजेशन के साथ साथ हमारी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेशन भी करता है जो कि हमारे न्यूट्रिशंस को अच्छे से अब्जर्व करने में हमारी हेल्प करता है और हमारी मसल्स को भी रिलैक्स करता है। सभी जानते हैं नीम एक ऐसा प्लांट है जिसकी हर एक पार्ट को मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। अगर जिसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो अगर नीमोली का सेवन करे तो डायबिटीज कम होने में काफ़ी हेल्प करेगा, और वो खाने से या
नीम के पत्तों का जूस पीने से हमारे ब्लड को ब्लड प्यूरीफाई करेगा। अगर ब्लड प्यूरीफाई होगा तो हमें पिंपल, एक्ने और पिगमेंटेशन या काफ़ी इरिटेशन होती है स्किन पे किसी किसी को, तो वो सबका प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं होगा। और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर डायबिटीज़ वालों को नीम का जूस, नीम के पत्तों का जूस पीने से बहुत फायदे मिले। अगर किसी को स्किन पे ऐसे बैक्टीरिया जैसा कुछ इरिटेशन है या किसी को किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया है, तो नीम के पानी से नहाने से भी बहुत उसको फायदा मिलेगा। नीम के पानी से नहाने से, नीम का जूस पीने से, नीम के छाल को पीस कर अगर हम उस इफेक्टेड एरिया पे लगाएं तो हमें बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है रोज, यानी कि गुलाब। आपने गुलकंद तो खाया ही होगा, गुलकंद जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुलाब से और भी चीज़ें बन सकती है, जैसे कि आप उसका रोज बना सकते हो। वो गुलाब की जो फूल पूरा खिल जाता है और उसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो जो पीछे उसकी डंठल बचती है उस डंठल की आप चाय बनाकर भी पी सकते हो। ये भी काफ़ी बॉडी को लाइक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। रोज पेटल फीमेल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर कोई फीमेल माँ बनना चाहती है और किसी कारण वो बन नहीं पाती है, तो उसे अपने रोज़ाना रोज पेटल की चाय बनाकर पीनी चाहिए, जिससे उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिलीफ मिलेगा और कमज़ोरी अगर कमज़ोरी है तो वो काफ़ी दूर होगी और उसको बहुत ही उससे फ़ायदा होगा। ये स्ट्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को काफ़ी स्ट्रेस से अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो अगर हम रोज़ को लाइक ऐसे स्मेल करके भी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है हमें। उसकी स्मेल इतनी ताजगी ऐसे बिल्कुल सी थोड़ी सी होती है, तो हमें स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो रोज़ उसको उसकी स्मेल लीजिए, उसकी सुगंध लीजिए, वो भी आपको काफ़ी इफेक्ट देगी और अच्छी रहेगी। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मसाले भी हो गए, प्लांट्स भी हो गए, फ्लावर्स भी हो गए, और ये बहुत ही इजीली आपको बाहर मिल जाएंगे मार्केट्स में। अगर इन चीज़ों का आप आपके डेली रूटीन में यूज़ करें तो आपका पित्त काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो सकता है और आपकी स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है हेयर फॉल। हेयर फॉल भी काफ़ी मेंटेन हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और सब्सक्राइब टू माय चैनल और